जय माता दी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करें इन पांच में से कोई भी एक उपाय, पूरी हो सकती है आपकी हर एक इच्छा और कई सारी ऐसी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी जिनसे आप कई दिनों से परेशानी में घिरे हुए थे और वह परेशानी आज इन उपायों को करने से आपको छोड़ देगी। दोस्तों, बता दें आपको कि आज देवश्यायनी एकादशी है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस दिन से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं और आज 4 जुलाई मंगलवार को देवश्यायनी एकादशी है, जिसमें हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यदि हम कुछ खास उपाय करेंगे तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो कैसे क्या उपाय करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय है कि देवशायनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती संघ में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना है। इस एक अभिषेक से कितने जाने पापों से मुक्ति मिल जाएगी और हमारे रुके हुए सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि देवशायनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं तो आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय यह है कि अगर आप धन लाभ चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस पूजन से धन से संबंधित सभी परेशानियां खत्म अवश्य होगी। और बात करें चौथे उपाय की, तो एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी को प्रणाम करें। दोस्तों, बता दें आपको कि जब हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं और जब तक तुलसी मैया के आगे दीपक अगरबत्तियां जलती रहती हैं, तब तक यह माता रानी हमारे कष्टों को निवारने के लिए देवीय शक्तियों से प्रार्थना करती रहती है और उनकी विनती बहुत जल्द सुन लेते हैं। इसीलिए आप तुलसी मैया पर दीपक लगाएं और ध्यान रहे कि दीपक ज्यादा फूल भरकर भी नहीं लगाना है, उतना ही लगाएं जितना कि एक आधे घंटे में संपन्न हो जाए, क्योंकि इनको भी कष्ट पहुंचता है जब ये एक पैर पर खड़ी होकर प्रार्थना करती है भगवान से। तो इनको, देवीय शक्तियों को भी हमें इनके बारे में ख्याल रखना चाहिए। भगवान के बारे में जितना ख्याल रखेंगे, भगवान उससे कई गुना हमारे बारे में रखते हैं। तो आप ध्यान रखें इन बातों को। पांचवा उपाय यह है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और पीपल से जुड़े कई सारे उपाय हमने आपको बताए हैं इस चैनल पर, और इस आज के उपाय में भी पीपल का ही है। जैसे कि आज एकादशी पर पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है और शाम के समय दीपक लगाना है, बस फिर देखिए चमत्कार क्या होते हैं आपके जीवन में। दोस्तों, हर एक काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए आज इस एकादशी पर करते रहिए इन उपायों को, और आपको जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे हमारे अन्य मित्रों का भी भला हो सके और वह भी धर्म का लाभ ले सकें। और अपने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप आगे बताई जाने वाली नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो को जरूर जान पाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।